बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से बिहेवियरल मॉडलिंग परफॉर्म कर सकते हैं अपने सर्किट्स की, और वेरीलॉग में हम किस तरह से उसको सिमुलेट कर सकते हैं। ये हमारा आज का कंटेंट होगा जिसको हम कवर करेंगे। इन दिस लेक्चर वी विल इंट्रोड्यूस बिहेवियरल मॉडलिंग इन वेरीलॉग, देन वी विल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियरल मॉडलिंग यूजिंग 2:1 मल्टीप्लेक्सर। फिर हम देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन को हम वेरीलॉग में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन वी विल सी दैट कि हम किस तरह से 4:1 मल्टीप्लेक्सर का बिहेवियरल मॉडल बना सकते हैं, थोड़ा सा केस स्टेटमेंट को देखेंगे, और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि ये जो सिमुलेटर जिसके साथ हम पिछले कुछ लेक्चर्स में काम कर चुके हैं, इस सिमुलेटर को यूज़ करते हुए इन दो एग्जांपल्स को हम कैसे चलाते हैं। बिहेवियरल मॉडलिंग, इट रिप्रेजेंट्स डिजिटल सर्किट्स एट ए फंक्शनल एंड एल्गोरिथमिक लेवल। ये आपके डेटा मॉडलिंग से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। इट इज़ यूज्ड मोस्टली टू डिस्क्राइब सिक्वेंशियल सर्किट्स बट कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब कम्बिनेशनल सर्किट्स। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो सिक्वेंशियल सर्किट्स ही पढ़े हैं, कम्बिनेशनल सर्किट्स हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बिहेवियरल डिस्क्रिप्शंस यूज द कीवर्ड ऑलवेज, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। फॉलोड बाय एन ऑप्शनल इवेंट कंट्रोल एक्सप्रेशन एंड अ लिस्ट ऑफ प्रोसीजरल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसके भी हम एग्जांपल देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। द इवेंट कंट्रोल एक्सप्रेशन स्पेसिफाइज व्हेन द स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, के स्टेटमेंट्स जो कि इसके बाद आ रही हैं, तो इवेंट कंट्रोल बेसिकली ये बताएगा कि उनको कब एग्जीक्यूट होना चाहिए। समथिंग लाइक इफ स्टेटमेंट इन यूर सी लैंग्वेज ऑल्सो। द टारगेट आउटपुट ऑफ अ प्रोसीजरल असाइनमेंट स्टेटमेंट मस्ट बी ऑफ द रजिस्टर डेटा टाइप। दो तीन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। एंड कॉन्ट्रेरी टू द वायर डेटा टाइप वेयर बाय द टारगेट आउटपुट ऑफ एन असाइनमेंट मे बी कंटिन्यूसली अपडेटेड, आर रजिस्टर डेटा टाइप रिटेन्स इट्स वैल्यू अनटिल अ न्यू वैल्यू इज असाइंड। यानी वायर के ऊपर वैल्यूज़ चेंज हो रही होती हैं, ठीक है, जैसी इनपुट चेंज होती है तो वायर के ऊपर वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन रजिस्टर को एक्सप्लिसिटली चेंज करना पड़ता है। दैट इज़ अ डिफरेंस। ओके, नाउ वी लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, बिहेवियर मॉडल ऑफ 2:1 मल्टीप्लेक्सर। इसमें राइट, सो हमारे पास तीन इनपुट वेरिएबल्स हैं, ए बी और एक सेलेक्ट इनपुट वेरिएबल है, जो कि अगर आप यहाँ फिगर में देखें तो सेलेक्ट की वैल्यू अगर 1 होगी तो हमारा ए वैल्यू, ए इनपुट वेरिएबल सेलेक्ट हो जाएगा आउटपुट के ऊपर, और अगर सेलेक्ट की वैल्यू 0 होगी तो फिर हमारे पास बी सेलेक्ट हो जाएगा आउटपुट के ऊपर। आउटपुट वेरिएबल हमारा एक ही है, अमाउंट, ठीक, इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज रजिस्टर इन योर प्रोग्राम। व्हेन देयर इज चेंज इन वेरिएबल स्पेसिफाइड बाय एट द रेट सिंबल, वही कंट्रोल जिसकी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, बात की थी, प्रोसीजरल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। ठीक, कैसे? द स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट इफ ए बी आर सेलेक्ट चेंज इट्स वैल्यू। यहाँ देखें, ये जो हमने ऑलवेज स्टेटमेंट लिखी हुई है इसमें हमने एट द रेट ऑफ ए आर बी आर सेलेक्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर ए की वैल्यू चेंज हो या बी की वैल्यू चेंज हो या सेलेक्ट की वैल्यू चेंज हो तो फिर ये जो आगे दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इफ और एल्स वाली, ये एग्जीक्यूट होंगी। नोट दैट द कीवर्ड आर इंस्टीड ऑफ द बिट वाइज लॉजिकल आर ऑपरेटर, दिस इज़ यूज्ड बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आर का जो हमारे पास एक लॉजिकल कंस्ट्रक्ट था, पहले हमने देखा था इसको पिछली स्लाइड्स में, तो वो हम यूज़ करें। ठीक, ओके, सो हम इस कोड को दोबारा से देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक मॉड्यूल डिफाइन किया हुआ है, मक्स 2:1 बिहेवियरल मॉडल, BEH स्टैंड्स फॉर दैट, और चार हमारे पास पैरामीटर्स हैं, अमाउंट, ए, बी एंड सेलेक्ट। आउटपुट क्या है इसकी? अमाउंट। इनपुट क्या है? ए, बी और सेलेक्ट। रजिस्टर अमाउंट को चूँकि हमने इसकी आउटपुट एक रजिस्टर में प्लेस करनी है तो उसको एज ए रजिस्टर ही हम डिक्लेयर करेंगे।
Always is the statement that declares we are working with the behavioral model A or B or select. Okay, so जब भी A या B या select में कोई value change होगी तो हमारा if statement execute होगा, वो select की value को check करेगा कि वो क्या है. अगर ये value zero होगी तो if statement false हो जाए, और अगर if statement true होगी तो फिर इसकी corresponding statement चलेगी. इसी तरह से if के false होने की सूरत में else statement चलेगी, और if के true होने की सूरत में if की अपनी body चलेगी. And then there is end module. Okay, और b की value shift हो जाएगी m out में, ज़रा चला के देखते हैं. Okay, right. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास 2-to-1 मल्टीप्लेक्सर है जिसका बिहेवियरल मॉडल हमने बनाया हुआ है, और उसमें वही चार हमारे पास पैरामीटर्स हैं. पहला पैरामीटर आउटपुट वेरिएबल, अगला जो है हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स, और इसी तरह से हम रजिस्टर एम आउट को जो आउटपुट वेरिएबल है उसके एज ए रजिस्टर भी बना दिया. अब हम इसके ऊपर ये स्टेटमेंट लगा रहे हैं कि अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, इसमें से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, तो हमारे पास नीचे जो लॉजिक है उसने एग्जीक्यूट होना है. ओके, ये फाइल मेरे पास बनी हुई है विद द नेम ऑफ मक्स अंडरस्कोर 21 अंडरस्कोर बी बिहेवियरल डॉट वी. सो मैं इसको अब ओपन करता हूँ अपने सिमुलेटर के अंदर, देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह से ये काम कर रहे हैं. ओके, ये मेरी वेबसाइट है जहाँ पे मेरा ये ऑनलाइन सिमुलेटर मौजूद है. आई जस्ट चूज दिस फाइल दैट वाज नेम्ड एज मल्टीप्लेक्सर 2-to-1 उसका बिहेवियरल मॉडल. हम इसको ओपन करते हैं एंड वी सिंथेसाइज एंड सिमुलेट इट. तो यू कैन सी दैट कि हमारे पास किस तरह से ये बिहेवियरल मॉडल काम कर रहा है. ठीक है, हमने सेलेक्ट की वैल्यू जो है अभी ज़ीरो रखी हुई है. ठीक, और हमारे पास हमें आउटपुट का नहीं पता. लेट्स से दैट मैं ए और बी दोनों को वन कर देता हूँ और सेलेक्ट की वैल्यू ज़ीरो है, तो हम इसको चलाते हैं और आउटपुट देखते हैं कि क्या आती है. तो हमें नज़र आता है कि ए की वैल्यू जो है ये हमारी सेलेक्ट होके आउट पे जा रही है, और अगर हम सेलेक्ट की वैल्यू ज़ीरो कर दें और फिर इसको सिमुलेट करें तो हम देख सकते हैं कि बी की वैल्यू सेलेक्ट होके आगे जा रही है. ये जो यहाँ पे एक सिंबल आपको नज़र आ रहा है टिक मार्क, इसे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू सेलेक्ट होके जा रही है. सो हमने ये इसकी सिमुलेशन को देख लिया. ओके, अब हम ये देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेरीलॉग के अंदर. बाइनरी नंबर्स आर स्पेसिफाइड एंड इंटरप्रेटेड विद द लेटर बी प्रीसीडेड बाय अ प्राइम. जैसे यहाँ देखें 2'B01, इसका मतलब ये होगा कि दो बिट होंगे, टू मीन दो होंगे, बी मीन बाइनरी बिट्स, और उनकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो और वन. टू बाइनरी बिट्स इनिशियलाइज्ड विद 0-1. नंबर्स आर स्टोर्ड एज अ बिट पैटर्न इन मेमोरी. सो एक्चुअली तो मेमोरी के अंदर जो है नंबर्स जो है वो बिट की सूरत में स्टोर हो रहे होते हैं, बट दे कैन बी रेफरेंस्ड इन डेसिमल लाइक दिस, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट्स. ठीक, और ये एग्जांपल हमें बता रही है कि किस तरह से ये देखें कि 4HA, इसका मतलब ये है कि 4 आपके पास 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, राइट, और उनके पर वैल्यू कौन सी स्टोर हुई है, A टोटल. इसी तरह से 4 डेसिमल डिजिट्स, वैल्यू 10 स्टोर हुई हुई है. 4 बाइनरी डिजिट, वैल्यू 10 स्टोर हुई हुई है. ठीक, तो साइज़ ऑफ वेरिएबल तो चेंज हो सकता है लेकिन वैल्यू जो है वो सेम है रैम के अंदर. इफ़ बेस ऑफ द नंबर इज़ नॉट गिवन, डिफ़ॉल्ट बेस इज़ डेसिमल. वेरीलॉग उसको डिफ़ॉल्ट बेस डेसिमली कंसिडर करती है. इफ़ द साइज़ ऑफ द नंबर इज़ नॉट स्पेसिफाइड, द डिफ़ॉल्ट साइज़ इज़ एट लीस्ट 32 bit. If a host simulator has larger word length, say 64 bits, the language will use that value to store unsized numbers. Yani, अगर तो default उसमें simulator के अंदर जो number का size है वो 32 bit है तो 32 bit ही use कर लेगा, और अगर default simulator में जो word size है
और 64 बिट है तो फिर 64 बिट ही यूज़ होंगे. टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ ए नंबर अंडरस्कोर कैन बी यूज, ठीक, बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल 16, 16 बाइनरी बिट्स और वैल्यूज उनकी ये हैं. इस अंडरस्कोर से रीडेबिलिटी बढ़ी है, लेकिन हमारे पास इस अंडरस्कोर से रीडेबिलिटी बढ़ी है लेकिन नंबर्स की वैल्यू को डिस्प्ले कराने में या उसको इंटरप्रेट करने में कोई मसला नहीं होगा. ओके, नाउ वी लुक एट अनदर एग्जांपल, बिहेवियरल मॉडल 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर का. द सेलेक्ट इनपुट इज डिनोटेड एज अ 2-bit वेक्टर, राइट. आउटपुट Y इज डिक्लेयर्ड टू हैव टाइप रजिस्टर, जैसे हमने प्रीवियसली देखा. द ऑलवेज स्टेटमेंट हैज अ सिक्वेंशियल ब्लॉक एनक्लोज्ड बिटवीन द कीवर्ड्स केस एंड एंड केस नाउ, ठीक. यानी जो ऑलवेज की बॉडी होगी, उसका ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक को हमने फर्दर फिर केस और एंड केस में उसको ब्लॉक एनक्लोज कर दिया है. द ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड वेन एवर एनी ऑफ द इनपुट लिस्टेड आफ्टर द एट द रेट ऑफ सैम्पल चेंजेस इन इट्स वैल्यू. बिल्कुल वैसे ही कि ये देखें, एट द रेट के बाद ये जो हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं 5, इनमें से कोई भी वैल्यू चेंज होगी तो ये नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. द केस स्टेटमेंट लाइक सी इज मल्टी वे कंडीशनल ब्रांच कंस्ट्रक्ट. ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसा सी में हम केस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं. वेन एवर दीज फोर वेरिएबल्स आर सेलेक्ट चेंज द केस एक्सप्रेशन सेलेक्ट इज इवेल्यूएटेड एंड इट्स वैल्यू इज कंपेयर्ड फ्राम टॉप टू बॉटम सीक्वेंस वाइज, ठीक. विद द वैल्यूज ऑफ केस आइटम्स, केस के आइटम्स ये हैं, इनकी वैल्यूज का कंपेयर किया जाएगा. फर्स्ट मैचिंग केस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, जो भी मैचिंग केस स्टेटमेंट मिल जाएगी उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा. नो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इफ नो मैच अकर्स, ठीक. द केस आइटम्स हैव एन इम्प्लायड प्रायोरिटी बिकॉज द लिस्ट इज इवेल्यूटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. बिल्कुल सी की तरह कि जी इसकी प्रायोरिटी सबसे हायर है, पहले इसको चेक किया जाएगा, फिर इसकी प्रायोरिटी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, ठीक. अब हम इस कोड को ज़रा देखते हैं कैसे काम करें. इसका सेंटेक्स प्रीवियस एग्जांपल के सेंटेक्स से थोड़ा सा मुख्तलिफ है. वहाँ पे हमने इनपुट आउटपुट जो है वो पैरामीटर ब्लॉक से बाद में बनाई थी, यहाँ ये उसके अंदर दिया हुआ है. सो इससे आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ सेंटेक्स राइटिंग स्टाइल डिफर कर रहे हैं. ओके, आउटपुट रजिस्टर अमाउंट, इनपुट ये 4 वेरिएबल्स, और सेलेक्ट जो है वो भी इनपुट ही है और उसका साइज 2-bit का है, 1 और ये 2-bit, ठीक है, गिवन इन रिवर्स ऑर्डर. राइट साइड पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लेफ्ट साइड पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ओके, सो व्हेन एनी ऑफ दीज वैल्यू चेंज, अगर तो इसमें देखिए केस किसके ऊपर लगा हुआ है, सेलेक्ट के ऊपर, और सेलेक्ट में कितने बिट्स हैं, 2. अगर 2 बाइनरी बिट सेलेक्ट के दोनों 0-0 हों तो इनपुट 0 के ऊपर आने वाली वैल्यू को हम राउट कर देंगे आउटपुट के ऊपर, ठीक. और अगर वो वैल्यू 0-1 हो तो इनपुट 1 वाली वैल्यू राउट करेंगे, अगर 1-0 हो तो इनपुट 2 वाली वैल्यू, और अगर 1-1 हो तो इनपुट 3 वाली वैल्यू को हम यहाँ पे राउट कर देंगे. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे काम हो रहा है, ठीक. आपके पास सेलेक्ट है, एनेबल है, तो आपके पास यहाँ ये 4 आउटपुट जनरेट हो रही हैं, और इसके लिहाज से आप ट्राई स्टेट गेट लगा के इसको वर्कआउट करें. अब हम इसकी सिमुलेशन को देखते हैं अपने सिमुलेटर में चला के. ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम है मल्टीप्लेक्सर 4-to-1 बिहेवियरल मॉडल, ठीक. सो हमारे पास आउटपुट अमाउंट, इसको आप ऐसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं, या अगर थोड़ी सी रीडेबिलिटी बढ़ाना चाहें तो आप फिर इसको यूं भी कर सकते हैं, ठीक. ये 4 वेरिएबल आ गए और फिर हमारे पास ये भी एक आ गया. सो वी हैव दीज वेरिएबल्स, और ये ऑलवेज ब्लॉक है आपके पास, ठीक. और यहाँ पे आप देखें ये केस ब्लॉक है जो कि उसके अंदर मौजूद है, ठीक.
एंड केस, और इवन थोड़ी सी रीडेबिलिटी बढ़ाना चाहें तो इंडेंटेशन कर दें, तो अब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। अब मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद मैं अपने सिमुलेटर में इसको रन करता हूँ। ओके, सो ये मेरे पास सिमुलेटर है, और मैं इसमें अपनी फाइल को चूज़ करता हूँ, विच इज़ मल्टीप्लेक्सर 4:1। ये मेरे पास फाइल रीड होके आ गई, मैं इसको सिंथेसाइज करता हूँ। तो अब ये देखें, ये आपके पास आउटपुट जनरेट हो चुकी है, ठीक। ये आपके पास इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, ठीक। और ये जो मल्टीप्लेक्सर है हमारे पास, ये 4 लाइंस बना के दे रहे हैं हमें, उन 4 में से जो भी वैल्यू आएगी तो उसके मुताबिक सिलेक्शन होगी। लेट्स से दैट मैं चारों इनपुट को 1 कर देता हूँ कि ये मेरे पास आ रही हैं, ठीक है। और सिलेक्ट बिट जो है मेरे पास, उसको भी मैं देखता हूँ कि ये क्या है। सिलेक्ट बिट, ठीक, बाइनरी के अंदर मैं इसको शो कर लेता हूँ, दिस इज 0:0, सो आई पुट हियर 0:0, और इसको मैं रन करता हूँ। तो अब देखें कि कौन सी आउटपुट मेरे पास जनरेट होके आ रही है। यहाँ देखें, ये इस जगह के ऊपर ये लगा हुआ है, ठीक, आपके पास टिक साइन, तो ये वाली वैल्यू जनरेट होके आ रही है। अगर मैं इसको 0:1 कर दूँ इस वैल्यू को, और फिर मैं सिमुलेशन को चलाऊँ, तो फिर देखें मेरे पास नेक्स्ट वाली वैल्यू जनरेट होके आ रही है, जो इनपुट आ रही है वो आगे राउट होके जाएगी मल्टीप्लेक्सर के ऊपर। और अगर मैं इसको 1:0 कर दूँ, तो फिर मेरे पास अगली वैल्यू सिलेक्ट हुई है, और फाइनली इसको 1:1 करने से मेरे पास अगली वैल्यू जनरेट हो गई, ठीक है। अच्छा, इसकी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी कि आप ज़रा चेक करें कि ये वायर्स कौन सी निकल रही हैं, इन वायर्स का क्या रोल है, कैसे काम कर रही हैं, और इनकी वैल्यूज़ को चेंज करने से किस तरह से मेरे पास आउटपुट चेंज हो रही है, इसको ज़रा आप खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ओके, तो हमने बिहेवियरल मॉडल ऑफ 4:1 मल्टीप्लेक्सर समझ लिया, और केस स्टेटमेंट के मुतालिक थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन। 2 टाइप ऑफ लॉजिक वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, बेसिकली 4 वैल्यूज़ हैं, हमने कहीं देखा था पहले। वो 4 वैल्यूज़ कौन सी हैं, वो हमारे पास 0 है, 1 है, एक्स है, और जी है। एक्स फॉर अननोन एंड जी फॉर हाई इम्पीडेंस। द केस कंस्ट्रक्ट हैज़ 2 इम्पॉर्टेंट वेरिएशंस, कौन सी, केस एक्स एंड केस जी। केस एक्स क्या है, एनी वैल्यू इन केस एक्सप्रेशन आर केस वैल्यूज दैट हैव वैल्यू एक्स आर जी आर ट्रीटेड एट डोंट केयर, ठीक। एंड देन देर इज केस जी, एनी वैल्यूज इन केस एक्सप्रेशन और केस वैल्यूज दैट हैव वैल्यू जी आर ट्रीटेड एज डोंट केयर। फर्क क्या है, फ़र्क यह है कि यहाँ पे x और z दोनों को डोंट केयर समझा जाता है, और यहाँ पे सिर्फ z को डोंट केयर समझा जाएगा, x को नहीं, ठीक। लिस्टिंग ऑल बुलियन कॉम्बिनेशंस ऑफ द केस एक्सप्रेशन आर नॉट नेसेसरी। क्या मतलब, मतलब हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस बन रहे थे ना 2 बिट के ऊपर, 0, 0, 0, 1, 1, 0 और 1, 1, तो ज़रूरी नहीं है कि केस में आप चारों ही दे दें, आपको ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए तो छोड़ दें, सिर्फ 2 दे दें, स्टिल द प्रोग्राम वुड वर्क। मिसिंग केसेस कैन बी ट्रीटेड बाय सप्लाइंग डिफ़ॉल्ट केस, ठीक। अगर आप चाहें तो सी की तरह यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आप इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।